मैं हूं अमित और आज हम लोग आ चुके हैं हमारे इस छोटे से ट्रैक्टर के साथ में। आप लोग इसका साइज दो एक बार यार मेरे साथ में कमाल का ट्रैक्टर है ना। और गाइज आज आप लोगों ने जैसा कहा वैसा ही हम लोग करने वाले हैं। तो क्या कहा था आपने, आपने कहा था कि हायाबुसा जो बाइक है, जो हमारी शेरनी है, उसको एक ट्रैक्टर से लड़वाइए। यानी कि जब हमने इसको एक गाड़ी के साथ में लड़वाया था तो बाइक जीत गई थी, तो आपने कहा कि अब इसको एक ट्रैक्टर के साथ में मुकाबला करवाइए। लेकिन भाई साहब अगर हम इसको एक फुल साइज ट्रैक्टर के साथ में मुकाबला करवाएंगे तो यार कहीं ना कहीं वो जो है अनफेयर हो जाएगा, क्योंकि यार ये जो बाइक है ये 300 किलो की है, ट्रैक्टर 1800 किलो का होगा, तो वो जो है कोई एक फेयर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर अब बाइक के मुकाबले का ट्रैक्टर यहाँ पर आ चुका है। जो ट्रैक्टर है उसका साइज जो है वो थोड़ा छोटा है और नॉर्मल वाले से छोटा है, इसका वजन भी कम है, इसका पावर भी उससे कम है, लेकिन है ये ट्रैक्टर ही, खेतों में ये भी चलता है। तो देखते हैं गाइज कौन जो है इन दोनों में से जीतता है। सिंपली दोनों को बांध देंगे रस्सी से एक दूसरे के ऑपोजिट, फिर लगाएंगे दोनों पावर। और पावर की अगर बात करें तो वो भी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। फटाफट से शुरू करते हैं। वजन की बात करें तो ये जो दोनों ओपोनेंट्स हैं इनमें जो ट्रैक्टर है उसके अंदर वजन है यहाँ पर 778 किलो, जो कि ऑन रिकॉर्ड है, यानी कि लगभग आप 800 किलो मान सकते हो। और जो बाइक है उसका वजन है 350 किलो। तो यहाँ पर वजन जो है उसमें तो ट्रैक्टर जो है वो काफ़ी आगे है, भले ही साइज छोटा है, लेकिन गाइज वो जो है प्योर लोहा है, उसके टायर्स भी बड़े हैं काफ़ी बाइक के कंपैरिजन में, उसके टायर्स में ग्रिप भी ज़्यादा है ताकि वो बहुत अच्छे से जो रोड है, जो ग्राउंड है, जो खेत है, उनको पकड़ सके, ठीक है। और वो बना होता है चीज़ों को खींचने के लिए, तो उसके ये सारी चीज़ें उसके अंदर ऑलरेडी हैं। लेकिन जो बाइक है उसका वजन 350 किलो है और साथ ही साथ में बाइक के टायर्स भी छोटे हैं, टायर्स के ऊपर ग्रिप भी कम है, रबर की बात नहीं कर रहा मैं, इसके उभार की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल फ्लैट सा टायर होता है, जो कि रोड के साथ तो बढ़िया ग्रिप बनाता है, लेकिन जब इतना भारी ओपोनेंट इसके साथ में आएगा तो एडवांटेज ट्रैक्टर के पास में रहेगी। लेकिन अब जब बात पावर की आती है तो आप एक बार इन दोनों चीज़ों को देखो, ये जो दोनों चीज़ें हैं ये आपको देखने में सिमिलर से साइज़ की लगेंगी, हालांकि ट्रैक्टर भारी हमको पता है, लेकिन दोस्तों ट्रैक्टर डबल से भी ज़्यादा वेट का है, बट स्टिल जो बाइक है उसमें पावर है 200 हॉर्स पावर के आसपास में, 200 हॉर्स पावर, 1300 सीसी का इंजन है, 200 हॉर्स पावर बनाता है, जबकि जो ट्रैक्टर है वो बनाता है गाइस 15 हॉर्स पावर, यानी कि 15 हॉर्स पावर। तो आप लोग समझ सकते हो कि यहाँ पर 12 से भी ज़्यादा गुना का डिफरेंस है यार, कितना ज़्यादा डिफरेंस है पावर में, इसमें पावर एक्सट्रीम है, बहुत ही ज़्यादा पावर बनाती है सुपर बाइक। तो एक चीज़ उसके फेवर में वेट वाला, ग्रिप वाला, और जो पावर है वो इसके फेवर में है। लेकिन गाइज ये जो एक्सपेरिमेंट है थोड़ा सा डेंजरस भी हो सकता है, प्लीज़ ऐसा कुछ भी ट्राई मत करना, हम लोग आपको दिखाने के लिए बड़े ध्यान से करने वाले हैं। चलो अब इनको एक दूसरे के ऑपोजिट खड़ा करते हैं और लड़ाते हैं। गाइज हमने यहां पर जो रस्सी है उसको दोनों में बांध दिया, बिना देरी किए दोनों को स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, हमने वहीं बांधा है बाइक के चेसी के अंदर इसको, और ट्रैक्टर में तो बहुत जगह बांधने के लिए, भाई साहब यहां पर बहुत ज्यादा रिस्की भी हो सकता है, इसलिए सेफ्टी के साथ में नो कॉम्प्रोमाइज, बिना हेलमेट बिल्कुल नहीं चलाएंगे। और करतार ज्यादा झटका मत लेना, ठीक है, नहीं तो मेरी बाइक गिर सकती है, क्योंकि भाई इस बार गाड़ी नहीं है, इस बार ट्रैक्टर से मुकाबला है, ठीक है। कर रहे हैं भाई स्टार्ट, टाइट कर रहा हूं, ठीक है,
जा, रुक जा। तो भाई साहब यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि जो बाइक है वो ट्रैक्टर को वैसे तो यार काफी कड़ी टक्कर देती है, लेकिन जो ट्रैक्टर है वो ही कहीं ना कहीं बाइक को खींच पा रहा है। तो यहाँ पर इस मुकाबले में जो जीत है वो होती है ट्रैक्टर की, क्योंकि इसमें वेट भी ज़्यादा है, इसमें पावर भी ज़्यादा है। और ज़्यादातर लोगों को पहले भी लग रहा होगा कि इतने बड़े के सामने ये क्या करेगी, लेकिन गाइस इसके अंदर जो पावर है ना इतनी ज़्यादा, बस उसके दम पर जो बाइक है वो टिक पाती है थोड़ी देर के लिए। तो अगर आपको मजा आया वीडियो में तो लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और मज़ेदार वीडियोज़ के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।